खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। जनपद महाराजगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर साइकिल यात्रा का आयोजन पूरे जनपद में निकाला गया। फरेंदा विधानसभा ने वरिष्ठ सपा नेता राम प्रसाद सिंह, पूर्व चेयरमैन विनोद जायसवाल और वरिष्ठ सपा नेता सैयद अरशद ने समाजवादी साइकिल यात्रा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं की शोषणकारी नीतियों तथा लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों से लामबंद होने की अपील की। साइकिल रैली में सपा कई जुटों में बटी दिखी। इस दौरान सपा विधानसभा अध्यक्ष मदन यादव ने सपा नेताओं के इस अभद्र व्यवहार की आलोचना करते हुए पार्टी हित में सही न होने की बात कही। वहीं हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी पार्टी में गुटबाजी अपने अपने चहेते नेता के लिए करते हुए पाए गए। इस दौरान सपा कई खेमों में बटी हुई दिखी, जो पार्टी के लिए एक गलत संदेश है, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिखेगा। सरकार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न के लिए आज ये प्रख्यात हो गई है। ये भ्रष्टम सरकार आज तक की सबसे भ्रष्टम सरकार है, जहाँ किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से कहा गया, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर साइकिल चलाने का एक निर्देश दिया। उसी के निर्देश के पालन में हम सभी आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपने विधानसभाओं में सड़कों पर साइकिल रैली निकालने का काम कर रहे हैं, जिससे सरकार को मालूम हो जाए कि 2022 अब इस भ्रष्टम सरकार के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे और उत्तर प्रदेश का जो विकास और रुद्ध है वह विकास बड़ी ही तेजी से विकास होगा। यही हमारे पार्टी का उद्देश्य है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।